हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के नागौर समाचार में आपका स्वागत है। नागौर कुचामन से गुजरने वाले जयपुर नागौर स्टेट हाईवे पर उपखंड के रूपापुरा के पास सड़क घटना के चलते पति पत्नी को मृत घोषित करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार पति पत्नी को अनियंत्रित कार ने भिड़ंत की थी, जिसके बाद सूचना पर कुचामन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के वृंदावन गार्डन के पास रहने वाले ओम प्रकाश स्वामी 62 वर्षीय और उनकी पत्नी सीता देवी 58 से कुचामन से अपनी पर सवार होकर बदलिया गांव में प्रसादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हाईवे के रूपपुरा चौराहे से आ रही अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को भिड़ंत कर दी थी। भिड़ंत के दौरान पति पत्नी को स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्रथम दृश्य में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त करने के साथ ही शवों को मोची में रखवाया है, जिनका पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मृतक दंपति के दोनों पुत्र बेंगलुरु में व्यवसाय करते हैं। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।